ये हम पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार की बात करते हैं, आज हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये यूज एंड थ्रो की राजनीति है, इतने दिनों से हमें यूज किया और जब यूज हो गया तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हमारे साथ देखिए ये सर हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अब ये देखिए इनका एज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये कहाँ जाएंगे। 400 लोगों की नियुक्ति आपने दिया लेकिन 400 लोग तो कल बेरोजगार हो गए, तो आपने रोजगार कहाँ दिया। बिहार के टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों का गुस्सा अब और फूटने जा रहा है। देखिए बिहार के राजधानी पटना के गर्दनी बाग में किस तरीके से ये लोग हाथों में पोस्टर ले रखे हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। आखिर क्या मजबूरी रही कि सड़क पर अब टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों को उतरना पड़ा। सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग बिहार में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और अभी क्या हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट BPSC के थ्रू बोल रहे हैं कि नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं और हम लोगों को निकाल रहे हैं, तो हमारी मजबूरी यही है कि बिहार सरकार हमें निकाल रही है। हम लोग जो इतने दिनों से कॉलेज में काम कर रहे थे, हमारे दम पे बिहार गवर्नमेंट जो है वो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज का एफिलिएशन लिया, और इतने सालों से जब हम लोग काम कर रहे थे तो अभी क्या किया है कि हम लोगों को निकाल करके BPSC के थ्रू न्यू फैकल्टी को ला करके रख रहे हैं। तो ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगी, बिहार सरकार को हमें समायोजित करना पड़ेगा, यही हमारी मांग है। जब कोई नहीं था तो आप लोगों को उपयोग किया गया, अब उनकी काम पूरी हो गई तो अब आपको हटा दिया। बिल्कुल सर, ये यूज एंड थ्रो की राजनीति है, इतने दिनों से हमें यूज किया और जब यूज हो गया तो हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। हमारे साथ देखिए ये सर हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अब ये देखिए इनका एज खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये कहाँ जाएंगे। हम लोग इस तरीके से 500-600 आदमी है बिहार में। 17 साल से काम किए, उसके बाद जब सरकार का काम निकल गया तो आपको फेंक दिया, क्या यही है। हाँ सर, बात यही है, जबकि हमें सरकार पहले बोला था कि हमारी सत्ता आएगी और हम सत्ता में आएंगे, हमारा शासन रहेगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले थे कि समायोजित करेंगे, अभी तो सत्ता में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, तब क्यों नहीं करते, अपने वादा से वो विचलित हो रहे हैं। हम यही बातों को उनको जानने के लिए, याद करने के लिए यहाँ पर हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। कब तक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे रहेंगे, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे। आगे हमारी राजनीति यही है कि यदि वो नहीं मानेंगे तो हम पूरे बिहार में चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हम लोग ताला लगा देंगे, और जो हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले जो हैं वो हमारी समर्थन में वो रोड पर उतरेंगे और हमारी मांगों को मनाने के लिए इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। क्या बच्चों के साथ लोग, आप लोग भी उतर जाएंगे पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल, हमारा परिवार और हम खुद सब रोड पर आ चुके हैं, हम लोग को हटा दिया, हम लोग 7 साल 8 साल से सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से कोई 17 साल से, तो अब हम लोग कहाँ जाएँ, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। अभी BPSC के थ्रू जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट आ रही है, उसके आने के साथ हम लोग को मतलब बिना कुछ बोले हुए हटाया जा रहा है। अनदेखा कर रही है क्या आप लोगों की। पूरी तरह से अनदेखा कर रही है, ना कुछ एक्सपीरियंस देती है, ना ही कुछ कोई मतलब किसी तरह का हमको वेटेज भी नहीं मिल रहा है, और ना ही हम लोगों को रखा जा रहा है। कितने साल आप काम किए। हम 6 साल हो गया हमारा। आप कितने साल काम किए। 6 साल से। मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर एक जिला में एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। कॉलेज तो खुल गया लेकिन उसके चलाने के लिए AICT के मापदंडों के अनुरूप गेस्ट लेक्चरर प्रोफेसर का नियुक्ति की गई, लेकिन जब कॉलेज चलने लगा, पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो गई, प्लेसमेंट होने लगा, तो अब धीरे धीरे सरकार हम लोगों को निकाल रही है नियुक्ति, रेगुलर नियुक्ति करके। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 2018 में हम लोगों से वादा किए थे कि जब हम गेस्ट को होस्ट में बदलेंगे, लेकिन अब होस्ट में बदलने के बदले में हम लोगों को रोड से निकाला दिया। फिर उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम गेस्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग कई बार मिले लेकिन वो बोले कि ठीक है हम सोचते हैं, ये हालात हो गया कि अब हम लोगों को रोड पर आ गए। आज हम लोगों को बोर्ड पर रहना चाहिए था, तो हम लोग रोड पर आके अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोर्ड पर रहना चाहिए था मगर आज रोड पर है, क्या सरकार अनदेखा कर रही है असिस्टेंट टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को। एकदम अनदेखा कर रही है सर, अभी जो स्थिति है, सिनारियो है, अगर चाहे जो दूसरे राज्यों में की है सरकार ने, जैसे मेरे पास ये कागज भी है, दिखाते हैं आपको जी। अभी वेस्ट बंगाल में और ये झारखंड में हाल फिलहाल में गेस्ट को मतलब कॉन्टेक्ट की है, उसको जो मैंने सैलरी भी था वो रेगुलर की तरह तर्ज पे उसको कर दी है। हम लोगों की मांग है कि बचे हुए जो भी सीट है, ये देख सकते हैं सर, ये है हम लोगों का झारखंड वाला और वेस्ट बंगाल का है, ठीक ना, वो सारा चीज उस तर्ज पे हम लोग अभी रखा जा सकता है, रास्ता है हम लोग को रखने के लिए, लेकिन सरकार कहती है देश के दो राज्यों में हो सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। ये सर जो मंत्री पद पे बने हुए हैं उनको नहीं जिम्मेदारी है कि क्या किया जाए, हम लोग में क्या कमी है। अगर नहीं होती है तो क्या करेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में इसको धरना में बदल देंगे।
चीज को, धरना को? सर, 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर बाकी राज्य कर रहे हैं, झारखंड कर दिया, वेस्ट बंगाल में पहले से है, लेकिन मुख्यमंत्री ने वादा किया, उप मुख्यमंत्री ने वादा किया, माननीय सुमित कुमार सिंह जो हमारे विभाग के मंत्री, उन्होंने भी वादा किया कि करेंगे, लेकिन आज हम लोगों को निकाला जा रहा है। ये हम पूछना चाहते हैं कि अपने रोजगार की बात करते हैं, आज हम लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, कल 400 से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार किया गया, लेकिन एक तरफ 400 लोगों की नियुक्ति आपने दिया, लेकिन 400 लोग तो कल बेरोजगार हो गए, तो आपने रोजगार कहाँ दिया? आउटपुट तो जीरो हो गया, जितने लोगों को आपने नई नियुक्ति दी उतने लोगों को रोड पे बैठा दिया, ये किस प्रकार की आपकी नीति है रोजगार देने की? चलिए तो देखिए, जितने लोगों को आपने नौकरी दिया उतने लोगों को तो आपने निकाल दिया। ये बिहार के असिस्टेंट गेस्ट जो प्रोफेसर हैं वो अब धरने पर बैठे और कह रहे कि अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे बिहार में धरना देंगे। बहरहाल ये गुस्सा आपने देख लिया। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।